तो अभी मतलब मम्मी को बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ है, मतलब एकदम नहीं चल पा रही है, 8 साल हो गए हैं लगभग, ऑपरेशन भी हुआ ऐसा है ना, 8 साल हो गए इनको। हाँ बेटा। गुरुजी नमस्ते। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी हमारे डीएनए में 8 लोग हैं, लेकिन हमने 4 ही लोगों को रखा है अभी। अच्छा ठीक, मतलब लिखवाया 4 लोग है, लेकिन डीएनए ब्रेक 4 ही लोगों का करवाया है। अच्छा, अपना, मम्मी का, पापा का और भैया का। अच्छा अच्छा। और भाभी हैं, और भाभी के 3 बच्चे हैं, तो अभी उनको नहीं रखे हैं, क्योंकि मम्मी पापा भैया और हमको अभी मतलब स्वास्थ्य से लेके हर एक चीज से लेके बहुत दिक्कत है। वो जब सब हो जाए उसके बाद ही कर सकते, जोड़ सकते हैं उनको, है ना, चिंता नहीं। तो अभी मतलब मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ है, मतलब एकदम नहीं चल पा रही है, 8 साल हो गए हैं लगभग, ऑपरेशन भी हुआ ऐसा है ना, 8 साल हो गए इनको, इनकी जो हिप बॉल है ना, हाँ, वो डैमेज, कूल्हे, स्पाइन, लंबर रीजन से लेके नीचे कॉक्सिक्स तक जी, सारे जो है बैठने के स्थान से घुटने, कफ मसल्स, ये सभी जगह को प्रॉब्लम हो गई है जी, ठीक से चिकित्सा नहीं हो पाई इनकी जी। गुरुजी ऑपरेशन हुआ था 2020 में मार्च में, ऑपरेशन हुआ था मेदांता हॉस्पिटल में, हाँ, मार्च में 2020 में, तब से और ज्यादा इनकी स्थिति खराब हो गई। कहाँ की सर्जरी कराई? रीढ़ की हड्डी की। हाँ, और गड़बड़ हो गया, और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी माने और गड़बड़, जो भी कराता है रीढ़ की हड्डी की सर्जरी जी गड़बड़ी होता है, क्योंकि हड्डी की सर्जरी करते हैं और समस्या नर्वस सिस्टम की होती है जी। गलत कह रहे हैं, समस्या है नर्वस सिस्टम में जी, जिसके कारण आदमी को प्रॉब्लम है, और वो चीड़ फाड़ करते हैं हड्डी की, तो कहाँ से आदमी स्वस्थ होगा जी। अगर हाथ में कष्ट है, पैर की सर्जरी हो रही है, कैसे चलेगा? तो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी होनी चाहिए वो कर नहीं सकते बेचारे, अभी तक जान नहीं पाए उसके बारे में, नर्व के बारे में छू भी नहीं सकते ठीक है ना, वही होता है बेटा। इसीलिए वो जैसे कोई चीज़ दबी हुई है किसी के बीच में, जिससे मैसेज पास होते हैं, पानी पास होता है, रबर मान लीजिए दबी हुई है किसी बड़े पत्थर के नीचे, तो पानी पास नहीं होगा, आप पत्थर हटा दीजिए, तो वो जो चिपकी हुई है उसे कैसे फुलाएंगे आप, वो तो चिपक गई है इतने समय दबे रहने के बाद कारण, वो जुगाड़ नहीं कि उसको आप फुला दीजिए, वो कोई नस तो है नहीं, नर्व है ना, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लोग इसमें फेल हैं, इसीलिए फेलियर है ज़बरदस्त। पापा के भी मेरे हार्ट में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, उनको भी बहुत टेंशन रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सब तनाव ड्यू टू टेंशन जी, सारा कुछ हुआ है। और भैया और पापा में इस समय मतलब नहीं, बिना स्मृतियाँ बेटा वो नहीं, बिना मतलब के, मतलब उन लोगों ने कुछ किया भी नहीं भैया, बस बहस हो गई और उन पे केस लग गया, जो कि मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, ये सब चीज़ें नहीं वो करते हैं, वही कह रहे हैं कि जो स्मृतियाँ हैं ना वो सब कराती हैं काम जी, हाँ सक्रिय रहती है। तो अभी आपको जरा बात कर ले मम्मी का। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी बहुत दिक्कत है हमको, गले में भी भारीपन है, आँख भी एक ऑपरेशन हो गया, इससे दिखता नहीं है, एक आँख से दिखता है लेकिन जैसे लगता है कुछ काला काला जाला टाइप दिख रहा है कभी कभी। जो बोला है सर, की स्मृति से नष्ट किया जाए, भविष्य की स्मृति से नष्ट किया जाए। कर्म भोग कर्म भी से संबंधित सब मुश्किल का कर्म सदा हर मुश्किल बैलेंस लेपन करके वापस आएंगे। 5 बार बोलियो नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन खींच लीजिए, चल नहीं पाते हैं गुरु जी, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, गला भी भारी है पूरे शरीर में, जैसे गला खुल गया, गला भारी नहीं, पैर और सब भारी है, माइक
पैर भी भारी है, पूरा ये सब भारी है। वो तो है, वो तो आपको भयानक वाला है, तो हल्का फुल्का थोड़े ना, असाध्य रोग है, खड़े नहीं हो पा, जैसे लगता है कुछ रखा है पैर में, ऐसे लपेट लपेट पूरा पैर। ओम ओम। सब अंदर इधर सुनिए, आपका दाहिना अंग ऐसे समझो काट के, ये वाला अलग करके दूसरा लगा के नई सर्जरी ऐसे समझो हुआ है, इसीलिए आपको कोई भी कष्ट नहीं है प्रेजेंट टाइम में। कुछ है कष्ट? यही पैर वाला है कष्ट। आप इस समय कोई कष्ट है चेक तो कर लीजिए पहले, बोलने के पहले कम से कम। भारीपन है। आप भारीपन है? भारीपन है। पहले क्या था? पहले बहुत दर्द था। तो फिर दर्द कम हो गया। अब भारीपन हटा दें तो पैर सुन्न हो जाएगा, पता लगेगा लकवा है। तो पैर तो वो तो उतना सेंसेशन तो रहेगा ही। आपको कष्ट थे सब चले गए, कोई कष्ट नहीं शेष? खड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं खड़े हो पाएंगे? अब सब आजे कट डालेंगे क्या? नहीं। हाँ जी, पापा से बोल के आए मम्मी। एक ही दिन में कट डालोगे क्या? आज ही करके सब एकदम पीटी उषा बन जाना है, हाथ पैर तोड़ लेना है खड़े होकर के। पैरों में दम नहीं है, शरीर है भारी ऊपर, तो लोड ले पाएगा? तो फिर आज तो कष्टों से मुक्त हुई हो, खड़ा करो इन्हें जरा, खड़ी होइए। अब वहाँ कोई कष्ट थोड़े ना है, खड़ी हो सकती हैं, खड़े होइए। लीजिए, खड़ी हो गई। पहले से हताश नहीं होना चाहिए, ये दरबार ने आपको किया है कि खड़े हो अपने दम पे। आप अपने दम पे तो खड़ी हो। तो फिर तो अब हर चीज़ हम प्रमाणित दें तभी मानोगे क्या? सब अच्छा हुआ है, दौड़ोगी खूब, ठीक है, धैर्य रखो, ठीक है, लेपन करना है आपको, ठीक, अच्छे रहो। गुरुजी और जो भी दिक्कत है सब घर में, सब लोग परेशान हैं, वो सब आपको जो प्रॉब्लम थी वो भी चली गई, कुछ नहीं बचा आप में, ना आपका कोई शरीर का कष्ट बचा, ना मन का बचा, डिप्रेशन खत्म, हाइपरटेंशन खत्म, कॉम्प्लेक्स रहता था खत्म, कुछ बचा नहीं? नहीं है। और जो कुछ था, कुछ बताने लायक चीजें नहीं है, सब खत्म, सब फील कर सकते हो जी। सब पढ़ाई लिखाई का भी इस समय सही? सब चेक कर लीजिए, अच्छा है कि नहीं? अब पढ़ने के प्रति आपकी रुचि, कॉन्फिडेंस, अच्छे नंबर से पास होना, सक्सेस होना, सब है कि नहीं अंदर? अब जी है, है? एकदम पॉजिटिव आप, ठीक है, खुश हो, प्रसन्न। आइए नेक्स्ट। अब इनको खड़ा करके चलाइए आप, थोड़ा सा पकड़ के चलेंगी ये गुरु जी। खड़ी होइए, इधर आओ बेटा, खड़े हो, बैलेंस, इनकी इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, स्वयं की गति बढ़ाई जाए, गति दी जाए, उधर चलें, उधर उधर इधर नहीं, उधर को चलें, बैलेंस चले, ये हिम्मत है बात की, ये चल पाएंगे बात। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, इतना बोलिए, कुर्सी दे दो उनकी माता।